जिला पंचायत सदस्य का पर्चा खारिज होने से मचा हड़कंप। प्रत्याशी ने प्रशासन पर लगाया गंभीर आरोप, कहा शाम तक सभी कागजात पूरे होने की है रिसीविंग। प्रशासन ने रातों रात पर्चा खारिज करके चस्पा कर दी लिस्ट। जानबूझकर एक नेता के इशारे पर प्रशासन ने खारिज की प्रत्याशी था। प्रत्याशी सहित दर्जन लोग एसपी कार्यालय के पास बैठे धरने पर। मौके पर पहुंची पुलिस समझाने में जुटी। दीन शाह गौरा द्वितीय के प्रत्याशी का मामला। जिला संवाददाता अंशु श्रीवास्तव, टीवी इंडिया 18 रायबरेली। आपका क्या नाम है? मेरा नाम संतोष सिंह है। क्या मामला है? मैं दीन शाह गौरा द्वितीय का जिला पंचायत के प्रत्याशी हूँ। मैंने अपना फॉर्म दो सेट में भरा था और दोनों फॉर्म 4 तारीख को जमा करा दिए थे और 4 तारीख को मैंने नामांकन किया था। उसके बाद 6 तारीख को मुझे 12 बजे का समय दिया गया था फॉर्म को क्रॉस चेक करने के लिए आने के लिए। मैं 12 बजे आया था, मेरे दोनों फॉर्म क्रॉस चेक किए गए थे। जो भी कंसर्न वहां पर ऑफिसर या बाबू बैठे थे उनसे मैंने कंफर्म किया कि फॉर्म में कोई इशू तो नहीं है, तो उन्होंने बताया नहीं, फॉर्म सब ओके है। हमने कहा फिर आगे का क्या प्रोसीजर रहेगा? उन्होंने एक रजिस्टर दिया साइन करने के लिए, कहा इस पर साइन कर दीजिए, बाकी कल 3 बजे के बाद आ जाइएगा तो आपका सिंबल एलोकेट हो जाएगा। और उसके बाद क्योंकि चुनाव मेरा बहुत अच्छा चल रहा था और काफी मेहनत कर रखी थी पिछले 1.5 महीने से हम लोग उसमें, बल्कि 3 साल से मेहनत चल रही थी, 1.5 महीने से तो डोर टू डोर चल रहा था। और चुनाव अच्छा होने की वजह से कहीं ना कहीं एक दिमाग में आशंका भी थी कि इसमें कहीं से कोई साजिश भी हो सकती है। तो मैंने फॉर्म के लिए लगातार मॉनिटरिंग में छोटे भाई को और लोगों को भी लगा रखा था। शाम को 9:30 के आसपास बाकी सारे ब्लॉकों की लिस्ट लग गई थी, सिर्फ दीन शाह गौरा ब्लॉक की लिस्ट नहीं लगी थी। उसके लिए अंदर जाकर के मेरे भाई ने पूछा भी तो बताया गया कि सब लिस्ट लग गई है। उनसे बताया गया दोबारा कि नहीं, अभी दीन शाह गौरा की लिस्ट नहीं लगी है। तो उन्होंने कहा कि अभी दीन शाह गौरा की लिस्ट अभी 1.5 घंटे में लगेगी। 11:15 के आसपास लगभग दीन शाह गौरा की लिस्ट पहुंचे और ये पर्चा, ये हमारे भांजे हैं जो चुनाव लड़ रहे हैं। रात में 9:30 बजे तक पूरी तरह से आश्वस्त किया गया कि आपके पर्चे में कोई कमी नहीं है, अभी आपकी लिस्ट लग जाएगी। बार बार पूछने पे कि सब ब्लॉकों की लिस्ट लग रही है, दीन शाह गौरा की लिस्ट क्यों नहीं लग रही, तो ये बार बार बताया गया कि नहीं, सब कुछ ठीक है, अभी लग जाएगी, कोई इशू नहीं है, अभी लग जाएगी। और रात में 11 बजे लिस्ट लगा के ताला बंद करके सारे लोग चले गए। संपर्क करने में कोई भी जिम्मेदार व्यक्ति ना किसी बात का जवाब देने के लिए तैयार है, ना कोई अधिकारी संपर्क कर रहा है, ना ही कोई व्यक्ति फोन अटेंड कर रहा है। ये साजिश के तहत मेरा पर्चा खारिज किया जा रहा है। हम निवेदन करते हैं, आह्वान करते हैं कि इस अन्याय को रोक के हमारे पर्चे को फिर से जांच करके अगर कोई त्रुटि उसमें नहीं है तो मेरा पर्चा एक्सेप्ट किया जाए, मुझे जो है चुनाव लड़ने से रोका ना जाए। ये लोकतंत्र की हत्या है, मेरे साथ अन्याय हो रहा है।